प्रदेश में लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने शासन प्रशासन को सकते में ला दिया है। इसी के मद्देनज़र प्रदेश के कई समाजसेवी संस्थाओं के साथ साथ एनजीओ ने बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने को लेकर बीड़ा उठाया है। इसी के तहत राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर केयर इंडिया के तत्वाधान में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 8 कोविड टीका एक्सप्रेस और 30 बाइक टीका एक्सप्रेस वाहनों को हरी झंडी दिखाई। केयर इंडिया के प्रभारी लोकेश शर्मा ने बताया कि केयर इंडिया कई वर्षों से लगातार जनहित के कार्य निरंतर करता रहा है। वहीं इन दिनों कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूर दराज ग्रामीण इलाके के लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और PHC सेंटरों पर नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसी स्थिति में ये वाहन उन ग्रामीणों के घर तक पहुँच कर टीकाकरण करने का कार्य करेंगे, जिसमें ANM आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपना अहम योगदान देगी। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, CMHO हीरालाल ताबिया, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, जिला प्रमुख रेशम मालविया, उप जिला प्रमुख विकास बामनिया आदि ने हरी झंडी दिखाकर 8 टीका एक्सप्रेस वाहनों के साथ 30 बाइक सवार टीका कर्मियों को रवाना किया। वहीं इस कार्यक्रम में केयर इंडिया से लोकेश शर्मा, सुधीर पारिक, जनक जोशी आदि उपस्थित रहे। तरफ की झंडी दिखाई गई है, ये जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग बांसवाड़ा और केयर NGO के संयुक्त तत्वावधान में यह टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए केयर NGO के द्वारा 8 गाड़ियां बड़ी और 30 मोटरसाइकिल का दी गई है जिला स्वास्थ्य बांसवाड़ा को विभाग को, जो दूर दराज के इलाकों में और सब जगहों पर जाकर के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेंगे। इनके साथ ही इनका एक वेरीफायर भी रहेगा और हमारे मेडिकल टीम रहेगी और जहाँ पर टीकाकरण नहीं हुआ उनको टीकाकरण भी वहाँ पर किया जाएगा और साथ में लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। आज यहाँ जिला प्रशासन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग बांसवाड़ा के साथ हम एयर इंडिया के संयोजन से बांसवाड़ा के जितने भी ब्लॉक हैं उनमें 8 कोविड एक्सप्रेस और 30 बाइक आज यहाँ शुभारम्भ किया गया है, लॉन्चिंग किया गया है। बांसवाड़ा DM, बांसवाड़ा सभापति और CMHO डॉक्टर HL ताली जी ने फीता काट का शुभारम्भ किया। ये कोविड टीका एक्सप्रेस बांसवाड़ा के दूरगामी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर और घर घर जाकर वह कोविड वैक्सीनेशन का काम करेगी। धन्यवाद।